नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्गाष्टम से संस्कृत विषय अंतर्गत चतुर्थ पाठ प्रहेलिका का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के सभी पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्गाष्टम संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी एक बार अवश्य देखें तथा उसमें आपको संस्कृत के अलावा इंग्लिश और मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा, उन्हें भी देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए चतुर्थ पाठ प्रहेलिका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रहेलिका का मतलब होता है पहेली, या इसे ठेठ में बुझौल भी कहते हैं। प्रहेलिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां बताई गई है। लिखा है, बालकों के बौद्धिक विकास के लिए गणित के समान पहेलिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तकों में प्रहेलिकाओं का समावेश अत्याधुनिक समय में होने लगा है। इसमें कुछ समस्याएं दी जाती है, जिनका समाधान छात्र छात्राएं अपनी बुद्धि को लगाकर करते हैं। यह कार्य समुचित बौद्धिक व्यायाम करा देती है। अन्य भाषाओं के समान संस्कृत में प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में प्रहेलिकाएं प्रचलित रही है। कुछ प्रहेलिकाएं तो टीकाओं के बिना समझ में नहीं आती है, किंतु अपेक्षाकृत सरल होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी 5 प्रहेलिकाएं दी गई है। तो जैसा कि इस पाठ में 5 प्रहेलिकाएं दी गई है, जिन्हें हम लोग पढ़ते हुए हिंदी अनुवाद करेंगे तथा इसका मतलब भी जानेंगे, और अंत में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ पिक्चर के आधार पर ही पहेली दी गई है। पिक्चर को देखकर भी आप समझ सकते हैं। ऐसे चलिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं, पढ़ते हैं। प्रथम पहेली है, रेफ अदौ मकरो अन्ते वाल्मीकि यस्य गायक सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वदंको असौ जन प्रिय। मतलब, प्रारंभ में रकार, अंत में मकार, वाल्मीकि ने जिसका गायन किया है, सर्वश्रेष्ठ जिसका राज्य था, वह जनप्रिय कौन था बताइए। तो इस प्रथम पहेली का उत्तर होगा श्री राम। उन्हीं में यह सब खूबी था और उन्हीं के राज्य जो थे सर्वश्रेष्ठ थे। राम राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसे वाल्मीकि जी ने रामायण में बताया है और रामायण का गायन किया है। तो अब हम लोग इस दूसरे पहेली को पढ़ते और इसके अर्थ को समझते हैं। लिखा है इसमें, मेघ श्यामो अस्मि न कृष्णो महाकायो न पर्वत बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अम्यहं नासिका कर। मतलब, मेघ के समान सावला हूं मैं, लेकिन कृष्ण नहीं हूं। महाकाय न पर्वतो, यानी विशाल शरीर वाला हूं लेकिन पर्वत नहीं हूं। बलवान हूं मैं लेकिन भीम नहीं हूं। नाक रूपी हाथ वाला मैं कौन हूं बताइए। तो इसका उत्तर होगा गजा, यानी हाथी। उसी में यह सब खूबियां होती है और वह अपने सूंड से, यानी नाक रूपी हाथ से, सभी कामों को करता है। तीसरा पहेली लिखा हुआ है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु महान बलिष्ठो न च भीम सेना स्वच्छंद गामी न च नारदो अपि सीता वियोगी न च रामचंद्र। यानी, चक्र वाला हूं लेकिन विष्णु नहीं हूं, त्रिशूल वाला हूं लेकिन शिव नहीं हूं, अत्यंत बलवान हूं लेकिन भीमसेन नहीं हूं, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता हूं लेकिन नारद भी नहीं हूं, सीता से अलग रहता हूं लेकिन रामचंद्र भी नहीं हूं, बताओ मैं कौन हूं। तो इस पहेली का उत्तर होगा वृषभ, यानी सांड, क्योंकि उसी के पास त्रिशूल रूपी सिंह है, इधर उधर फ्री माइंड घूमता है और अपनी पत्नी से अलग रहता है। अब यहाँ इस चौथे पहेली पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, दंतैर हीना शिला भक्षी निर्जीवो बहुभाषक गुणस्युति समृद्धो अपि परपादेन गच्छति। मतलब, मैं दंतहीन हूँ परंतु पत्थर खाता हूँ, निर्जीव होकर भी बहुत बोलने वाला हूँ, धागों से सिलाई से युक्त होकर भी दूसरे के पैरों से चलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर होगा उपाना, यानी जूता चप्पल। वही न दूसरे के पैरों से चलता है, निर्जीव होकर भी खटखट खटखट बोलते रहता है, पत्थर खाता है, पत्थरों पर चलते रहता है। अब यहाँ इस पांचवे और अंतिम प्रहेलिका पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, स्वच्छाच्छ वदनं लोका द्रष्टुमिच्छन्ति मे यदा तत्रात्मना ही पश्यन्ति खीनं भद्रं यथा यथम। मतलब, जब साफ अच्छा शरीर वाले लोग मुझे देखना चाहते हैं तो वहां अपने को देखते हैं, चाहे उदास हो या प्रसन्न हो, सही सही दिखता है, बताओ मैं कौन हूं। तो इसका उत्तर होगा दर्पणम, यानी आईना, जिसमें सब कुछ जैसा का तैसा
वैसा ही दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पांचों पहेलियों का हिंदी अनुवाद किया तथा इसके अर्थ को समझा। अब आगे इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को बनाएंगे, परंतु उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर अवश्य सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलिए अभ्यास प्रश्नों को बनाते हैं, परंतु उससे पहले ये कुछ शब्दार्थ हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ये दो पृष्ठ में है, इन्हें आप अवश्य लिख लीजिएगा। जैसे रेप का मतलब होता है रकार, अदव मतलब शुरू में, मकरांतो मतलब मकार अंत में हो, तथा यहाँ कुछ संधि विच्छेद है जिन्हें आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है मकरांते बराबर होता है मकारह जोड़ अंते यानी विसर्ग संधि से, उसके बाद लिखा है वाल्मीकि यस्य मतलब वाल्मीकि जोड़ यस्य या विसर्ग संधि से है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। तथा यहाँ कुछ प्रकृति प्रत्यय विभागा है जिसे प्रकृति प्रत्यय को विभक्त किया गया है, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे लिखा है वेद, तो इसमें अगर रूट में वेद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन से है, उसके बाद रुदंती रूट में है रुद लट लकार है प्रथम पुरुष बहुवचन, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग मुख्य रूप से अभ्यास प्रश्न जो है उसको बनाते हैं। संस्कृत विषय अंतर्गत अभ्यास प्रश्न मौखिक से प्रारंभ होता है। प्रथम में लिखा हुआ है निम्नलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत, निम्नलिखित पद का उच्चारण करना है। लिखा हुआ है मकरा अंते को असौ बलिष्ठो अस्मि भीमो अस्मि दंतैर्हीन गुणस्यति समृद्ध स्वच्छाछोवदनम द्रष्टुमिच्छन्ति स्वच्छन्दगामी नारदो अपि। मौखिक में दूसरा नंबर प्रश्न है, लिखा है मातृभाषायाम एका प्रहेलिकां वदत, अपनी मातृभाषा में एक पहेली को बोलना है। जैसे तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान जहाज। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नलिखितानां पदानां द्विवचनं वदत, निम्नलिखित पद के द्विवचन को बोलना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं यह एक वचन में है, इसके द्विवचन को बोलना है। जैसे लिखा हुआ है इच्छति, इच्छति का होगा इच्छत, पश्यति का होगा पश्यत, बदसी का होगा बदत, उसके बाद लिखा है आगच्छामि, आगच्छामि का होगा आगच्छाव, उसके बाद गच्छति का होगा गच्छत, भवति का होगा भवत। अब यहाँ से हमारा अभ्यास प्रश्न लिखित रूप में स्टार्ट होता है। चौथा नंबर प्रश्न लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर को एक पद में लिखना है। यहाँ जो एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं इनके एक पद में एक शब्द में इसका उत्तर देना है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। चौथे प्रश्न के क नंबर में प्रश्न लिखा है कह पशु नासिकायां सखांग त्रुहित्यति, कौन सा पशु नाक से डाली को तोड़ता है, तो इसका उत्तर होगा गजा, हाथी, हाथी ही अपने सूंड से डाली को तोड़ता है, किसी भी चीज को तोड़ता है। चौथे प्रश्न के ख नंबर प्रश्न है जना कस्मिन सौमुखं पश्यति, लोग अपना चेहरा मुख किस चीज में देखता है, तो इसका उत्तर होगा दर्पणे। ग नंबर प्रश्न है जना पादयो किं धारयति, यानी लोग अपने पैर में क्या पहनते हैं, तो इसका उत्तर होगा उपाना यानी जूता चप्पल। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है भीम सेना कीदृशं आसीत, भीम सेन कैसे थे, किस प्रकार थे, तो इसका उत्तर होगा बलिष्ठ यानी बलवान थे, मजबूत थे। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है क महाकाय अत्र वर्णित, यानी किस बहुत बड़े शरीर वाले महाकाय को यहाँ वर्णित किया गया है, तो उसका आंसर होगा गजह यानी हाथी का वर्णन किया गया है। उसके बाद च नंबर प्रश्न है कह जनप्रिय, कौन लोकप्रिय थे, उसका आंसर होगा राम यानी भगवान राम जो थे वह जनप्रिय थे, जनता उन्हें बहुत प्रेम करता था। अब आगे पांचवा नंबर प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्न के यहाँ छह प्रश्न दिए गए हैं, इनके एक वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर देना है। क नंबर प्रश्न है कस्य राज्यं सर्वश्रेष्ठम, किसका राज सर्वश्रेष्ठ था, तो इस फर्स्ट प्रश्न का उत्तर होगा रामस्य राजं सर्वश्रेष्ठं, यानी श्री रामचंद्र का राज्य जो था वह सर्वश्रेष्ठ था। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है श्री रामचंद्रस्य पत्नी का आसीत, यानी श्री रामचंद्र की पत्नी कौन थी, तो इस ख नंबर प्रश्न का उत्तर होगा श्री रामचंद्र से पत्नी सीता आसीत, श्री रामचंद्र की पत्नी सीता थी।
उसके बाद ग नंबर प्रश्न है, गजात भिन्न कह मेघवत श्यामं अस्ति, गज से यानी हाथी से भिन्न कौन मेघ के जैसा श्याम था। तो इस ग नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, गजात भिन्न श्री कृष्ण मेघवत श्याम अस्ति, यानी हाथी से भिन्न श्री कृष्ण मेघ के समान सांवला थे। घ नंबर प्रश्न है, पाद रक्षक केशांग भक्षंग करोति, यानी पैर की रक्षा करने वाला जूता चप्पल किस चीज का भक्षण करता है। तो इस घ नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, पाद रक्षकं शिला भक्षणं करोति, यानी जूता चप्पल जो है ईंट पत्थरों का भक्षण करता है, उसी पर चलते हैं हम लोग। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है, लोका दर्पणे आत्मनं कथं पश्यन्ति, यानी लोग अपने आप को दर्पण में कैसा देखते हैं। तो इस अंग नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, लोका दर्पणे आत्मनं यथा यथं पश्यन्ति, यानी लोग अपने आप को दर्पण में जैसा का तैसा देखते हैं। उसके बाद च नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि कस्य गायक, वाल्मीकि किसके गायक हैं। तो इस च नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, वाल्मीकि रामस्य रामायणस्य गायक, यानी वाल्मीकि जो हैं राम के रामायण के गायक हैं। अब छ नंबर प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदानाम संधिकृत, यहां पर जो आपको यह सात शब्द दिए गए हैं इसको विच्छेदित किया गया है, इसका संधि करके लिखना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो इस छठे विच्छेदित शब्द का होगा, वाल्मीकि जोड़ यस्य यानी वाल्मीकि रस्य। उसके बाद ख होगा, भीम जोड़ अस्मि यानी भीमोस्मि। उसके बाद होगा, कह असौ तो को सौ। उसके बाद होगा, दंतो हीना यानी दंते जो हीना। उसके बाद होगा, मकार अंते तो उसका होगा मकारो अंते। उसको बाद कंग असौ यानी क असौ। छ नंबर होगा, नारदह जोड़ अपि यानी नारदो अपि। अब सातवां प्रश्न है, मंजूषा या उचित पदानी चित्वा वाक्यानि पूर्यत, यानी इस बॉक्स में जो शब्द लिखे गए हैं इनको उचित चुनकर इस वाक्य को पूरा करना है, तो इसको हम लोग भर के पूरा करते हैं। ये क से लेकर छ तक के सभी वाक्य जो है आपको पहेली से ही है, जैसे लिखा हुआ महाकायो तो इसमें लिखेंगे पर्वत। उसके बाद ख में लिखा है, दंतैर्हीना शिरा वक्षी तो इसमें लिखेंगे निर्जीयो बहुभाषक, यानी दंतहीन है शिला भक्षण करता है, निर्जीव है लेकिन बहुत बोलता है। उसके बाद लिखा है ग नंबर में, डैश न रामचंद्र तो यहाँ लिखेंगे सीता वियोगी, न रामचंद्र, सीता वियोगी है लेकिन रामचंद्र नहीं है, क्या है सांड है। उसके बाद घ में लिखा है, मेघस्यो अस्मि नो क्या कृष्ण, मेघ के जैसा कृष्ण सांवला है। उसके बाद लिखा है, तत्रात्मानं ही पश्यन्ति खीन, यहाँ लिखेंगे पश्यन्ति। उसके बाद लिखा है, वाल्मीकि यस्य क्या थे गायक। उसके बाद छ में है, चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, यहाँ विष्णु लिखेंगे। इस प्रकार से यह सातो हो गए। उसके बाद आठवां नंबर प्रश्न है, अधो लिखिता नाम बहुवचनम लिखत, यहाँ पर जो सात शब्द दिए गए हैं इसके बहुवचन को लिखना है, जैसे यथा चलती, चलती का होगा चलंती, तो इसको हम लोग लिखते हैं। क में है गच्छती, इसका होगा बहुवचन गच्छंती। ख में है पश्यति, इसका बहुवचन होगा पश्यन्ति। ग में है बदामी, इसका होगा बदामा। उसके बाद घ में है भवसी, इसका होगा भव्यः। उसके बाद अंग में है तिष्ठामि, इसका होगा तिष्ठामः। उसके बाद च में है इच्छति, इसका बहुवचन होगा इच्छन्ति। उसके बाद छ में है नमामि, इसका बहुवचन होगा नमामः। अब यहाँ नौ नंबर प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्दयो सुमेलनं कुरुत, यानी विपरीतार्थक शब्द में सुमेलन करना है, मिलान करना है। जैसे यहाँ क में लिखा है खिन्न, तो खिन्न का विपरीतार्थक होगा प्रसन्न यानी दुखी का होगा खुश। उसके बाद लिखा है निर्जीव, निर्जीव का होगा सजीव यानी निर्जीव का सजीव। उसके बाद ग में है रुदंती, तो रुदंती का होगा हसंती यानी हंसता है। उसके बाद लिखा है आदि, आदि का विपरीतार्थक होगा अंत। उसके बाद अंग में है कृष्ण, कृष्ण का विपरीतार्थक होगा धौल। उसके बाद होगा बहुभाषक, बहुभाषक का
विपरीतार्थक होगा, अल्पभाषक बहुत बोलने वाला का होगा, कम बोलने वाला। अब यहाँ 10 नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम लोट लकारे रूपं लिखत, यानी यहाँ जो आपको 8 शब्द हैं इसको लोट लकार में लिखना है। जैसे लोट लकार में यह लिखा हुआ है इसको लोट लकार में लिखा है, जैसे पठती का होगा पठतू तो इसको हम लोग भरते हैं। क नंबर प्रश्न है पश्यति, इसका होगा लोट लकार पश्यतु। ख नंबर है गस्त, इसका होगा गस्ताम। उसके बाद ग नंबर है बत्ति, बत्ती का लोट लकार होगा बत्तु। उसके बाद घ नंबर है भवंति, भवंती का होगा भवंतु। उसके बाद अंग नंबर है तिष्ठी, तिष्ठिति का लोट लकार होगा तिष्ठतु। उसके बाद च नंबर है अस्ति, अस्ति का होगा संतु। उसके बाद छ नंबर है ददाति, ददाति का होगा ददातु। उसके बाद ज नंबर है हससी, हससी का होगा हस। तो इस प्रकार से इस चतुर्थ पाठ प्रहेलिका के सभी पहलुओं को हम लोगों ने खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए अध्ययन किया तथा इसके सभी अर्थों को समझा तथा इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह चतुर्थ पाठ की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।